दोस्तों आज के टाइम पर बॉलीवुड दो भागों में बटी हुई है, जहां एक तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के परिवार और उनके बच्चे बॉलीवुड पर राज करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपने नाम का सिक्का जमाने वाले लोग। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि स्टार किड्स के चलते बहुत सारे आउटसाइड एक्टर्स को मौका मिलना तो छोड़ो, कई बार तो मिला हुआ मौका भी छीन लिया जाता है। तो दोस्तों कई बार तो इन आउटसाइड एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि एक फिल्म में काम करने के बाद भी, वो फिल्म हिट होने के बाद भी उन एक्टर्स को दोबारा काम नहीं दिया जाता और उनका करियर ही बर्बाद हो जाता है और उनको कोई और करियर चूज करना पड़ता है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है ऋतिक रोशन की फिल्म में काम करने वाले उनके एक को एक्टर के साथ। देखिए दोस्तों, आपने ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया तो जरूर देखी होगी, और अगर आपने देखी है तो आपको याद ही होगा कि इस मूवी में मेन विलन का किरदार निभाने वाले रजत बेदी कोई मिल गया मूवी के बाद हमें किसी और मूवी में दिखाई ही नहीं दिए। और अब हाल ही में रजत बेदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है मुकेश खन्ना के एक टॉक शो में, जहां पर रजत बेदी ने बताया कि उनको कोई मिल गया मूवी में काम ऑफर हुआ और उस मूवी में रजत बेदी ने अपना जी जान लगा दिया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। और दोस्तों अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको रजत बेदी की परफॉर्मेंस जरूर याद होगी। लेकिन दोस्तों उस मूवी के बाद रजत बेदी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि फिर दोबारा उनको बॉलीवुड में कभी काम ही नहीं मिला। लेकिन आखिर ऐसा किस कारण हुआ और किसने ऐसा किया है, ये दोस्तों अब तक नहीं पता चल पाया। लेकिन रजत बेदी का इंटरनल इशारा तो ऋतिक रोशन और उनके पिता की तरफ ही जाता है, और उनका मानना है कि ये सारा किया धरा ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन का है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन ने किया है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इन दोनों ने ऐसा रजत बेदी के साथ क्यों किया होगा। बाकी दोस्तों इस मामले के बारे में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।